नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिस वेबसाइट के बारे में आज मैं बताऊंगा उसका ट्रैफिक स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको बैकलिंक कैसे बनाना है, कैसे इस वेबसाइट से अपने नई वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना है, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले अपने वेबसाइट के आंकड़ों की बात करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लगभग 4.2 बिलियन, ये कोई छोटा ट्रैफिक नहीं होता, बहुत बड़ा ट्रैफिक है, 4.2 बिलियन का यहाँ पे ये जो शो करता है ना, ये ट्रैफिक ये लास्ट 3 महीनों का होता है। और मंथली ट्रैफिक आप अगर आप देखोगे तो देखिए मंथली ट्रैफिक है 1.407 बिलियन, बहुत बड़ा ट्रैफिक है। और ये रशिया की वेबसाइट है, ये 4 नंबर पे रैंक कर रही है और सोशल मीडिया नेटवर्क में 5 नंबर पे रैंक कर रही है ये वेबसाइट, और इसका ट्रैफिक अभी भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखिए इसको रशिया से मिल रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये वेबसाइट जो है वो रशिया की है, ठीक है गाइस। चलिए आप बात करते हैं इसके डीएपीए की। डीए आप देख सकते हैं 96 और पीए इसका 86 का है, क्वालिटी बैकलिंक 86 मिलियन है। तो ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, इससे आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल बैकलिंक मिलेगा और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा ट्रैफिक भी मिलेगा। स्पैम स्कोर देख लीजिए, जिसको स्पैम स्कोर से डर लगता है, स्पैम स्कोर इसका ज्यादा है, 11 है, 30 है, उन लोगों के लिए ये वेबसाइट बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका स्पैम स्कोर जो है 1% है। ओके गाइस, 25 साल पुरानी वेबसाइट है, ये तो कंफर्म है कि ये वेबसाइट ट्रस्टेड है। तो चलिए आपको इसका नाम बताता हूँ, वेबसाइट का नाम क्या है। वेबसाइट का नाम है vk.com, नाम ध्यान से देख लीजिएगा, vk.com। इसको आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इसके प्ले स्टोर में भी इसका ऐप मिल जाएगा आपको और ऐप स्टोर पे भी इसका ऐप मिल जाएगा, तो आप इजीली मोबाइल से भी कर सकते हो, और अगर आपके पास लैपटॉप पीसी वगैरह है तो उससे भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये गूगल के अंदर सर्च करोगे, जैसे ही मैंने गूगल के अंदर सर्च किया vk.com, तो ये जो पहली वेबसाइट आएगी जिसपे वेलकम लिखा हुआ है, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन शो करेगी, सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपकी पहले से तो कोई आईडी बनी नहीं हुई है इस पे। जिन्होंने इस पे आईडी बना रखी है उनको तो ऑलमोस्ट पता ही होगा कि कैसे होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो पहले आईडी बना लीजिएगा इसके ऊपर। आईडी बनाने के लिए आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, जैसे आप इस पे अपना नंबर डाल के कंटिन्यू कर दोगे तो आपके सामने ये कुछ कोड शो करेगा, आपको ये कोड डालना होगा। कोड डालने के बाद में आपको सेंड पे क्लिक करना है, ये जो सेंड लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, ये देखिए इसने लिखा हुआ है कि ये कॉल करेगा आपको एक नंबर से, आपके पास जो कॉल आएगी उस कॉल के जो लास्ट 4 अंक होंगे वो यहाँ पे आपको डालने हैं, ठीक है। वो डालने के बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको थोड़ी सी वहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो सब करने के बाद में आप उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपके प्रोफाइल बन जाएगी। जैसे ही आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी, ये देखिए जैसे इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, उसी तरह की ये एक वेबसाइट है, ये एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, ठीक है गाइस, जिसपे अपने पोस्ट शेयर कर सकते हैं, स्टोरीज वगैरह लगा सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट कर सकते हैं, लाइव वगैरह कर सकते हैं, तो इस प्रकार की एक वेबसाइट है। अब देखते हैं कि इससे अपने बैकलिंक कैसे लेना है। बैकलिंक यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे इस वेबसाइट से। बैकलिंक बनाने के लिए सबसे पहले आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है, जो लेफ्ट साइड में टॉप में है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा, आपको सिंपली एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे एडिट प्रोफाइल है। ओपन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो जो पहला लिंक है वो लगेगा आपका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये सेक्शन दिया गया है, जिस वेबसाइट का आपको बैक लिंक बनाना है उस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है गाइस, ये तो हो गया। अब इसको आपको कर देना है यहाँ पे थोड़ा नीचे आके सेव। सेव करने के बाद में यहाँ पे देखिए राइट साइड के अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो ये लास्ट ऑप्शन आता है वेबसाइट का, यहाँ पे देखिए वेबसाइट का सेक्शन दिया गया है, तो ये वेबसाइट का सेक्शन है, यहाँ पे भी आपको अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। अब ये देखने के लिए कि हमारा जो बैक लिंक है वो बना है या नहीं बना है, आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो ये देखिए गाइस, प्रोफाइल ओपन होने के बाद में ये देखिए नाम के नीचे जो लिंक शो कर रहा है वो हमारी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बैक लिंक मिल गया है। इस प्रकार से आप अपनी वेबसाइट के अनलिमिटेड बैक लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। तो वेबसाइट तो आपने देख ली है कि बहुत अच्छी वेबसाइट है, अच्छा खासा इस पे ट्रैफिक है। इस वेबसाइट से आपको जो भी बैकलिंक मिलेगा वो क्वालिटी बैकलिंक ही होगा। आई होप कि गाइज आपको बैकलिंक कैसे बनाना है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई दे दूंगा कि किस प्रकार से होगा, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं कि इस वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लेके जाना है। तो सिंपली उसके लिए आपको इसके अंदर पोस्ट करनी होगी, ठीक है। इस वेबसाइट का जो आइकन शो कर रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो मेन प्रोफाइल है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए काफी लोगों के स्टोरीज भी शो कर रही है, जिन लोगों ने फोटो शेयर किया वो भी शो कर रही है। अभी चलिए आपको मैं एक फोटो का ट्रैफिक दिखाता हूँ। ये देखिए कल पोस्ट की गई है 2:35 PM पे,
ठीक है, और इसका ट्रैफिक देखे तो 216K यानी कि 216,000 इस पे व्यू आए हुए हैं। लगभग 2600 लोगों ने इसको लाइक किया है और 56 लोगों ने इसको शेयर किया है। ऐसी बहुत सारी आपको फोटो मिलेगी, लगभग सारियों पे ही हजारों में व्यू है। ठीक है गाइज, तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाएगा। तो पोस्ट शेयर करने के लिए कैमरे का आइकन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो शो होगी। सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक कर देना है। तो आप अपनी वेबसाइट के जिस आर्टिकल पे यानी कि ट्रैफिक लेके जाना चाहते हो, वो अगर आप वो आर्टिकल आपका फूड से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, तो उसी आर्टिकल के जैसी आपको एक कोई फोटो डाउनलोड कर लेनी है। जैसे मेरा एक आर्टिकल है नेल से रिलेटेड है, तो नेल की फोटो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। सिंपली इसको सिलेक्ट करके और मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद में आपको उस आर्टिकल को ओपन कर लेना है जिसपे आपको ट्रैफिक लेके जाना है। जैसे ये मैंने मेरा एक आर्टिकल ओपन कर रखा है और इस आर्टिकल का जो टाइटल है मैं वो कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर यहाँ पे टॉप पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर दबा के उसी आर्टिकल का मैं URL कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे यहाँ पे लिंक पेस्ट किया मैंने तो नीचे देखिए यहाँ पे उस आर्टिकल की इमेज आ गई है, साथ में उसका लिंक भी आ गया। अब ये फोटो अपने पास दो हो गई है, तो आप इस फोटो को पहले को एक हटा भी सकते हो। अगर आपको ऐसी पोस्ट शेयर करनी है तो आपको एक फोटो यहाँ पे चूज करनी ही पड़ेगी। अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप फोटो चूज नहीं करते हैं कोई भी, सीधा लिंक पेस्ट कर देते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जैसे ये मैंने सब कुछ काट दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैं उस आर्टिकल के URL को कॉपी कर लेता हूँ और सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, आर्टिकल आएगा ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी ना, कोई लिंक आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको फोटो तो कोई भी पहले एक बार सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, वही फोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वापिस से। ये देखिए जैसे मैंने इतना सारा लिख लिया है सारा टोटल, और अब मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे आर्टिकल के लिंक को। अगर आपको ऐसी पोस्ट करनी है तो उसके लिए आपको ऐसी एक फोटो सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी, तो ही आप पोस्ट कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप फोटो सिलेक्ट नहीं करोगे तो वहाँ पे आपका लिंक जो है वो क्लिकेबल नहीं होगा। लिंक को अगर आपको क्लिकेबल करना है तो कोई भी एक फोटो पहले आपको चूज करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, फोटो चूज करने के बाद में जब आप लिंक पेस्ट कर दो और वो क्लिकेबल हो जाए तो उसके बाद में आप इस फोटो को डिलीट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने हिसाब से अगर कुछ देना चाहते हो, कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो वो कर लीजिएगा, लेकिन मैं फिलहाल कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे सीधा पोस्ट कर दूंगा। तो गाइज फोटो शेयर हो चुकी है, अब देखते हैं कि ये फोटो कैसे शो करती है, किस प्रकार से दिखती है। तो देखने के लिए सबसे पहले अपने क्लिक करेंगे माई प्रोफाइल पे। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में अपने थोड़ा डाउन आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये जो फोटो है वो शो कर रही है। तो इस प्रकार से जो फोटो है वो आपकी शो करेगी। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने लिंक लगाया वो भी क्लिकेबल है और नीचे वाला लिंक भी क्लिकेबल है और यहाँ से बंदा बुक मार्क भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हो। ठीक है, आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। आप लगातार इस पे पोस्ट शेयर करोगे, रोज एक पोस्ट शेयर करोगे, लिंक लगाओगे इसके अंदर, तो आपको अच्छी क्वालिटी वाले बैक लिंक तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको यहाँ से ट्रैफिक भी बहुत अच्छा मिलेगा। आई होप कि गाइज आपको पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको कमेंट के रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं गाइज ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।